अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम योर न्यू साइंस टीचर उनसा। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि अब दोबारा से लॉकडाउन जो है वो स्टार्ट हो गया, उसकी वजह से हमारी रेगुलर क्लासेस का स्टार्ट नहीं हो सका, तो इसलिए हमने आपकी ऑनलाइन क्लासेस का अरेंज किया है ताकि आपके फर्स्ट टर्म का सिलेबस जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू वाइंड अप किया जाए। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो हमारी इंशाल्लाह फिर रेगुलर क्लासेस का स्टार्ट जो है वो हम कर लेंगे। अब हम इसमें साइंस का फर्स्ट चैप्टर से अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस का फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि ह्यूमन, आपको नेम से पता चल रहा है कि इसमें आप लोग ह्यूमन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें जो पार्ट्स हैं वो है आपके ऑर्गन। ऑर्गन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ, ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके डिफरेंट ऑर्गन जो है वो ब्रेन से स्टार्ट होते हैं। ब्रेन, स्टमक, पैंक्रियाज, लीवर, जिसको आप लोग जिगर और मैदा बोलते हैं, ठीक है, ये सारे आपके ऑर्गन हैं। और इस चैप्टर में हम आपके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उनकी डिफरेंट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको नाम से पता है डाइजेस्ट करना, किसी भी चीज़ को हज़म करना। हज़म करने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टमक प्रेजेंट है। जो स्टमक है, जिसको आप लोग मैदा बोलते हैं, वो आपका एक ऑर्गन है। इसमें अब आप लोग स्टमक के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से अपने डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करता है। अब फर्स्ट स्टार्ट है कि आवर बॉडी नीड एनर्जी एंड फूड टू मूव, ग्रो एंड स्टे अलाइव। आवर बॉडी सेल्स कैन नॉट यूज द फूड इन द फॉर्म इट इज ईटन बाय अस। अब इसमें उन्होंने बच्चों स्टार्ट में एक वर्ड है इसमें फूड। अब उन्होंने कहा कि जो फूड है आपका खाना, कोई भी इंसान जो है वो खाना खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जिंदा रहना तो दूर की बात है, अगर आपकी एनर्जी जो है वो प्रॉपर नहीं आपको खाने से मिल रही, तो फिर क्या होगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर आपकी ग्रोथ जो है वो भी नहीं हो पाएगी और ना ही आप अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो। इट्स मीन कि आपकी टोटल लाइफ जो है वो डिपेंड करती है एनर्जी के ऊपर, और जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है आपके फूड के ऊपर। आप जब तक खाना नहीं खाएंगे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपकी बॉडी के अंदर कोई भी काम जो है वो नहीं हो सकता, इवन डैट की हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। आवर बॉडी चेंज इट इंटू सिंपलर फॉर्म, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इंटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। अब इसमें बच्चों ने कहा कि आप लोग जो भी खाना खाते हैं, ह्यूमन बॉडी क्या करती है कि आपके कम्प्लेक्स फूड को सिंपल के अंदर कन्वर्ट करती है। सिंपल के अंदर कन्वर्ट करने का क्या मतलब है कि आपने जो भी खाना खाया है आपकी बॉडी उसको हजम करेगी, ताकि वो खाना हजम हो और आपको उससे एनर्जी मिलना शुरू हो जाए। द पार्ट ऑफ बॉडी डैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपके खाने को हजम करने के लिए जो भी आपके बॉडी पार्ट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम उसको क्या बोलेंगे कि वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो भी सिस्टम काम कर रहा है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा। ईटिंग वेल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन डू टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। अब इसमें बच्चों ने क्या कि आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्या है कि ईटिंग वेल, आपका फूड जो है वो अच्छा होना चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। आपका फूड जितना अच्छा होगा उसे आपको उतनी ही प्रॉपर एनर्जी मिलेगी और आप अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को कैरी कर सकते हैं। डिफरेंट फूड्स आर द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल पार्ट ऑफ आवर फूड। अब इसमें एक वर्ड आता है बच्चों न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स क्या है, ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपकी डिफरेंट फूड के अंदर डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब क्या ये होता है कि ह्यूमन बॉडी जो है इन न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्ट अवेल नहीं कर सकती, तो फिर क्या होता है कि हम वो खाना खाएंगे जिसमें ये न्यूट्रिएंट्स हों। अब न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स, विटामिंस एंड मिनरल्स वगैरह। अब ये ह्यूमन बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं। अब इन न्यूट्रिएंट्स को गेन करने के लिए हमें वो खाना खाना पड़ता है जिसके अंदर ये तमाम न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब जैसा कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट आपकी रोटी के अंदर प्रेजेंट है, राइस के अंदर प्रेजेंट है, पोटैटोस वगैरह के अंदर प्रेजेंट है। वो तमाम फूड जो स्वीट इन टेस्ट हो उन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। हम लोग राइस को, पोटैटो को इसलिए नहीं खाते कि हमने आलू खाया, इट्स मीन कि हमें आलू के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट जो कि न्यूट्रिएंट था हमारी बॉडी को ये चाहिए, तो हम इसलिए ये वाला फूड यूज़ करते हैं। प्रोटीन कॉमन आपको पता है, एग और मीट्स वगैरह के अंदर रिच अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो हम लोग ये खाना खाएंगे तो ह्यूमन बॉडी को प्रोटीन जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। फैट्स, ऑयल वगैरह हम लोग डायरेक्ट ऑयल भी यूज़ करते हैं, या फिर आप लोग बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह के अंदर भी कुछ अमाउंट में फैट प्रेजेंट होती हैं, और विटामिंस वगैरह, विटामिंस भी आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स ह्यूमन बॉडी के साल्ट्स को बोलते हैं। मिनरल्स आपको पता है कि वेजिटेबल्स जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होती, बल्कि उनके अंदर कुछ सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कॉमन एग्जाम्पल इसकी पालक है, पालक के अंदर एक्सेस अमाउंट में जो है वो साल्ट प्रेजेंट होते हैं।
आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल। अब ह्यूमन बॉडी क्या करेगी कि इन सारे न्यूट्रिएंट्स को सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेगी, और वो काम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होता है। मीन कि आप अपने खाने को हजम करेंगे तो उससे फिर आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट मिलना शुरू हो जाते हैं। द सिंपल मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू द वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब टू इंटर द ब्लड। द ब्लड कैरी देम टू एवरी सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी और टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अब इसमें बच्चों क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी आपने फूड खाया है, फूड की डाइजेशन होगी, डाइजेशन के बाद क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी को एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। अब वो जो एनर्जी है, ह्यूमन बॉडी की एनर्जी को हम लोग ATP बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा कि आपका खाना हजम होने के बाद आपको एनर्जी मिल गई। अब जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी क्या होगी कि आपकी ब्लड के अंदर इंटर हो जाएगी। ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो सबसे मेजर पार्ट है, जो ब्लड आपके हेड टू टॉय सर से लेके पांव तक ब्लड की सर्कुलेशन होती है, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा कि अगर आपके बाजू को या किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी जो कि आपके ब्लड के अंदर इंटर हो चुकी है, अब ये तो अंडरस्टूड है कि ब्लड ने पूरी बॉडी के अंदर मूव करना है, तो जैसे जैसे ब्लड की मूवमेंट होती जाती है उसी तरह से आपके डिफरेंट पार्ट को उस एनर्जी की सप्लाई मिलना शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट आगे है बच्चों, वेयर एंड हाउ डाइजेशन अकर द प्रोसेस। अब इसमें उन्होंने क्या पूछा है आपको कि डाइजेशन कहाँ पे होती है। अब हमें तो पता है कि डाइजेशन का सारा प्रोसेस जो है वो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। अब लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन अराइज होता है कि डाइजेशन का सारा प्रोसेस ह्यूमन बॉडी के अंदर किस पार्ट्स में अकर होता है। द पार्ट ऑफ डाइजेशन अकर इन लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। अब ये है बच्चों, डाइजेशन का सारा प्रोसेस जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें अकेला स्टमक नहीं आएगा, इसमें और भी आपके बॉडी ऑर्गन्स आएंगे जो कि फूड को आपके माउथ से लेके स्टमक तक ले जाने में, डाइजेशन करने में हेल्प आउट करते हैं। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये स्टार्ट होगी आपके माउथ से, उसका एंड होगा एनस पे। मीन के डाइजेशन के अंदर डिफरेंट जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी इन्वॉल्व हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक के बारे में। अब आप लोगों ने ये चैप्टर जो है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में, आपने आज का जो लेक्चर है इसको अच्छी तरह से सुनना है। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको स्टूडेंट समझ नहीं आए तो आपने कमेंट में मुझे बताना है, ताकि हम नेक्स्ट अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन के आपके आंसर दे सकूँ। गुड बाय स्टूडेंट्स।